नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल। मैं आपका अपना दोस्त संजय। आज हम लोग फिर हाजिर रहे एक सैमसंग की 9 kg की टॉप लोड वॉशिंग मशीन का वीडियो लेके। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये हमारे सैमसंग की 9 kg की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है और जो इसमें है आपका इनबिल्ट हीटर है। नॉर्मली वॉशिंग मशीन जो टॉप लोडिंग होती है उसमें हमारा इनबिल्ट हीटर नहीं होता, इसमें हमारा इनबिल्ट हीटर है। जब ये इनबिल्ट हीटर होता है तो उस टाइम पर जो इसका इनसाइड का जो पल्थिएटर होता है वो हमारा प्लास्टिक का नहीं रहेगा, उसमें मेटल का रहेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा नॉर्मल वॉशिंग मशीन में टॉप लोडिंग हमारा प्लास्टिक का होता है, बट इसके अंदर जो है आपका स्टेनलेस स्टील का पल्थिएटर लगा हुआ। अभी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अभी हम लोग डोर को ओपन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा जो है स्टेनलेस स्टील का पल्थिएटर है, जो कि इसका डिज़ाइन इतना बढ़िया है कि कपड़े को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर धुलता है। और दूसरा ये हमारा फिल्टर है, फिल्टर को आपको जब भी अपने कपड़े धुले हैं उसके बाद आपको हर वाश पे आपको निकाल कर वाश कर लें। बाकी इसमें हमारा जो है डिटर्जेंट डालने के डिटर्जेंट बॉक्स है, और उसके बगल जो हमारा ये दिया वो जेट स्प्रे है। और अभी इसकी बात, इसमें हमें डिटर्जेंट डाल के, डिटर्जेंट डालने के बाद इसको जो है इस तरह से हमें बंद कर देना है। और ये हमारा जो है जेट स्प्रे, जब हम लोग वॉश करेंगे तो ऊपर से भी पानी ये प्रेस करता है। बाकी आपको इसमें कंफर्ट या ये सारी चीज़ें डालनी है तो आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं, जो रिंस हेड में आप डालते हैं स्मेल के लिए। बाकी ब्लीच के लिए आप यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ ब्लीच का। बाकी इसके बाद आपको डोर को जो है बंद करेंगे तो यहाँ पे एक लॉक भी है, जो आपका ये लॉक डोर से लॉक हो जाता है। नॉर्मली वॉशिंग मशीन में टॉप लोडिंग में आप जब चाहे डोर ओपन कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको पोस्ट करने के बाद ही आपका डोर ओपन होगा, अन्यथा आपका डोर ओपन नहीं होगा। अगर चलते समय आपकी लाइट चली गई तो जब तक लाइट आएगी उसके बाद पोस्ट करोगे तभी आपका डोर ओपन होगा। इसके प्रोग्राम को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, अभी हम लोग सीधा कस्टमर के हैंड पे ही इस चीज़ के लिए डिस्कशन करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी ये इसका बैक साइड है और ये हमारा 15 एम्पियर का, नॉर्मल 5 एम्पियर का रहता है, लेकिन इनबिल्ट हीटर है तो हमारा 15 एम्पियर का मॉडल नंबर है। ये हमारा इनलेट फिल्टर होता है, जब भी आप वॉशिंग मशीन को 10 दिन 15 दिन में एक बार आप फिल्टर क्लीन करके रखेंगे तो पानी का प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। ये कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये कनेक्टर जिक से हम लोग इसको टेस्ट कर लेंगे। अगर वॉशिंग मशीन में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए हम लोग जिक यूज़ करते हैं। और वॉशिंग मशीन के बाकी जैसे ऑपरेटिंग है वो सिस्टम के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो चलिए, जैसे कि फर्स्ट आपको मैं डोर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कपड़े आपको इधर डाल देने हैं। कपड़े डालने के बाद डिटर्जेंट जो है इस वाले चैम्बर में डाल देना है। डिटर्जेंट हो गया आपका, अगर शॉर्पनर यूज़ करना है कम्फर्ट जो आता है रिंस के लिए तो उसको आपको इधर डाल देना है, इस साइड में जो आपके होल्स दिख रहे हैं। बाकी ब्लीच ये सारी आप चीज़ें इधर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद फर्स्ट जैसे ये वाली ऑन ऑफ की बटन को आप प्रेस करेंगे तो मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद जो आपने कपड़े डाले हैं, कपड़े कौन से कैटेगरी के हैं, इनमें से कौन सी कैटेगरी का, उसके लिए आपको ये वॉशिंग साइकिल की बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगी, जैसे ये सारे आपके प्रोग्राम्स हैं। नॉर्मली जो आपका फर्स्ट है ये आपका नॉर्मल है। नॉर्मल में जैसे ये नॉर्मल कपड़े जो हमारे रोज़मर्रा के होते हैं उसके लिए, उसमें आपको जैसा ये वॉश करेगा, रिंस करेगा एंड ये स्पिन करेगा। बाकी जैसे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे वैसे सिलेक्ट कर लेगा कि इसमें कितना टाइम लेगा, कितनी बार रिंस करेगा एंड कितनी बार स्पिन करेगा। बाकी अपने हिसाब से ये जो है सारा शो कर रहा है। बाकी जैसे एक नंबर है, हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो जैसे हमने स्टार्ट किया ये अभी ब्लिंक करना चालू हो गया। अभी ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने इसके अंदर लोड डाला हुआ है लोड का वेट कितना है, जो भी वेट आइडेंटिफाई करेगा। अगर अभी वेट इसके अंदर नहीं तो जो इसका सबसे कम जो लोड रहता है उसका जो सेटिंग रहता है उसके हिसाब से यहाँ पे वो टाइम जो है शो कर देगा। अभी नहीं, अभी शो करेगा। मैं अभी पूरा अभी ये जो है ये बीच वाली बटन जैसे अभी इस्टेब्लिश हो जाएगा तो आपको टाइम बता देगा कि ये कितना टाइम टोटल, कितना टाइम कंप्लीट टाइम ये लेगा। ठीक है, जैसे अभी आपने इसके अंदर लोड नहीं एकदम खाली में, तो टाइम इसने कैलकुलेट किया है वो 49 मिनट। इसमें जो आपको शो हो रहा है जो वाटर का लेवल आपका सबसे कम है, बाकी वॉश का टाइम जो है लमसिंग 10 मिनट आपका वॉश का टाइम है, 1 टाइम आपका ये रिंस करेगा और ये आपका मीडियम में जो है
ये स्पिन करेगा, बट इसमें कुछ आपको कम ज़्यादा है अपने हिसाब से करना है, तो उसको भी आप स्पिन का अगर कम आपको लग रहा है तो आप स्पिन भी बढ़ा सकते हैं। रिंस नॉर्मली आपका वन टाइम है, अगर आपको लगता है कपड़े में थोड़ा सा भी सर्फ रह रहा है तो इसको आपको टू या थ्री टाइम कर सकती हैं। और वाश का टाइम तो आपको फिलहाल इस पर सोए, बाकी आपको फिर भी लगता है कि हमें इससे ज़्यादा वे करना है तो आप ये उसको भी बढ़ा सकती हैं। कम भी हो जाएगा जी हाँ, ये इसको अब जब भी आपने प्रेस किया तो आपका 6 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, इस हिसाब से इसका टाइम रहता है। बाकी ये वाटर का लेबल है, बाय डिफ़ॉल्ट वाटर आपका 2 का लेबल या 3 का लेबल सिलेक्ट किया है, बट आपको लगता है कि कभी क्या है आपके कपड़े में जो है अच्छी वॉशिंग नहीं हो रही है, अच्छा खंगाल नहीं रहा, तो इसमें आप वाटर का लेबल भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने इस चीज़ को बढ़ा लिया और बढ़ाने के बाद जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम एक बार तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया था अभी जो आपने सेट कर दिया ये इसके हिसाब से ये काम करेगा। ये हर मोड पे चलेगा? नहीं नहीं मैम, ये आप जिस भी बाय डिफॉल्ट तो अपने हिसाब से इसमें टाइम सब सेट रहेगा, बट किसी में आपको मैनिपुलेट करना है तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका नॉर्मल सबसे नॉर्मल हो गया। बाकी अभी जैसे आपका अलग फंक्शन यूज़ करना है, जैसे आपके कम कपड़े हैं तो नॉर्मल में तो आपका फर्स्ट नॉर्मल में है, जब भी हमने वॉशिंग साइकिल को चेंज किया तो आपका क्विक वॉश आ गया। कम कपड़े हैं अगर आपको जल्दी चाहिए तो उसके लिए, उसके बाद तीसरे नंबर का जो हमारा डेलिकेट्स सॉफ्ट कपड़ा है, जैसे पार्टी वेयर है इस टाइप के कपड़े, उसके लिए अगर बड़े कपड़े हैं बेड शीट चादर पिलो तो उसके लिए आपका बेडिंग है। इसके बाद आपका आ गया हाइजीन स्ट्रीम। हाइजीन स्ट्रीम में क्या रहता है, सब बीमार आदमी के कपड़े हैं, बैक्टीरिया वाले हैं, मेडिकल के कपड़े हैं, तो उस टाइप के कपड़े के लिए, तो इसमें क्या है टाइम इसका आपका ज़्यादा रहेगा 4 घंटे का। इसमें क्या होगा, जो इसमें वॉश होगा वो स्ट्रीम वॉश होगा, क्योंकि जो अभी इसमें हीट आपका हीटर इनबिल्ट है, उससे क्या होता है कि पानी का जो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, वाटर जो है पानी जो है आपके हीट एलिमेंट में जाएगा और स्टीम जनरेट करेगा, जिससे कि गर्म पानी से अच्छी तरह से आपका वॉश होगा। अच्छा, तो सर्फ तो डालना ही पड़ेगा मैम, मतलब प्रॉपर वॉशिंग ही होगी। हाँ, पानी की वॉशिंग होगी जी। ठीक, इसके बाद जैसा आपका ये आ गया, इसके बाद फिर हमने अगेन प्रेस किया, तो जैसा हमने यहाँ पे किया तो आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सो होती रहेंगी, कितना टाइम रहेगा, वाटर का लेवल क्या रहेगा, वो सब कुछ। बाकी फिर हमने जैसे इसमें अगेन प्रेस किया तो आपका ये आ गया, स्पेशली अगर जीन्स के कपड़े हैं तो ये उसके लिए है, एनर्जी सेविंग अगर कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के लिए। अब ये तो आपका ये सारे जितने ये प्रोग्राम थे इसमें आपके कपड़े सब भी करेगा, वॉश भी करेगा, रिंस करेगा और स्पिन करेगा। बट कभी आपको लगता है कि हमने कपड़े बाहर धुल रखे हैं, सिर्फ हमें कपड़े को इसमें खंगालना या सुखाना है, अगर सिर्फ खंगालना या सुखाना है तो आपके लिए आपका रिंस प्लस स्पिन, इसमें क्या है वॉशिंग कपड़े को आपके खंगालेगी और निचोड़ देगी, सुखा देगी, ये दोनों फंक्शन। फिर कभी अगर आपको लगता है कि हमें सिर्फ मतलब स्पिन करना है तो उसके लिए आपको जो ये रिंस वाला है, रिंस को आपको ऐसे प्रेस करेंगे और उसके बाद ये करेंगे तो आपका रिंस हट जाएगा। अभी क्या हुआ, नॉर्मल आपका स्पिन रह गया, तो सिर्फ आपके कपड़े जो हैं स्पिन होंगे। ऑलरेडी आपने अगर मान लो बाहर खंगाल भी लिया है, धुल भी लिया, सिर्फ सुखाना है तो उसके लिए। ठीक है, ये फंक्शन हो गया। इसके बाद आपका लास्ट में आता है इको टब क्लीन। अभी ये क्या रहता है कि जब भी कभी आपको लगता है कि आपने कपड़े 1 महीने तक इसके अंदर धुले, तो कभी क्या होता है ड्रम के अंदर जो गंदगी स्टोरेज होती है उसके लिए आपको यहाँ से इसमें फिर आपको कपड़े नहीं डालना है, खाली जो है मशीन को चला देना है। इसका एक पाउडर आता है डिस्केलिंग पाउडर डाल के, ठीक है, इसमें डालना होता है, हाँ डिस्केलिंग डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है मैम, ये आपका हो गया। इसके बाद जैसे इसमें कुछ और अलग से भी एडिशनल फंक्शन है, अगर आपको इसमें से ये सारी चीज़ें ऐड करना है, एक तो आपका वाटर लेवल का हमने बता दिया, वाटर लेवल के साथ आपका वाश रिंस, ये सारी चीज़ें। बाकी अगर जिसमें चाइल्ड लॉक एक्टिवेट करना है तो आपको वाटर लेवल प्लस आपकी जो वाश की बटन है, ये दोनों ऐसे कंटिन्यू प्रेस हम करेंगे तो इससे चाइल्ड लॉक हो जाएगा। इसके साथ जो आपका इसमें बजर की आवाज़ आ रही है उसको भी अगर हमें बंद करना है तो ये और ये वाली जो बटन को प्रेस करेंगे तो बजर भी आपका बंद हो जाएगा। इसके साथ अभी आपका ये जो ऊपर का आपका दिख रहा है इसमें आपका ये बबल स्ट्रॉम, इसमें क्या रहता है जैसे कपड़े के अंदर से बबल्स बनते हैं ना, वो भी अगर चाहिए तो आप ऐसा प्रेस करें। इस पर 1 मिनट, क्विक वॉश पे नहीं आएगा, जैसे इसमें आ गया जैसे बबल वॉश प्रेस करेंगे तो आपका ये बबल वॉश एक्टिवेट हो गया, बंद करेंगे तो आपको बंद हो गया। जब भी क्या है कपड़े ज़्यादा गंदे हैं और आपको लगता है इंटेंसिव हमें यूज़ करना है तो ये इंटेंसिव वॉश के लिए इस बटन को ऐसे 3 सेकंड आपको कुछ टाइम ऐसा प्रेस करेंगे तो अभी ये वाला इंडिकेटर आपका चालू हो गया। ये आपका इंटेंसिव वॉश के लिए, जो कि जिसमें कपड़े आपको भिगा के भी रखते हैं, नॉर्मली आपको बंद करना है तो ये बंद हो जाएगा।
और सुपर स्पीड आपको चाहिए, बबल वॉश में ही कपड़े सूख भी होंगे। जी जी, बबल वॉश नहीं, वो अलग एडिशनल फंक्शन है। उसके बाद आपका जो इसमें इंटेंसिव लिखा हुआ, जब इसको आप कुछ सेकंड ज्यादा देर के लिए, इंटेंसिव के लिए ज्यादा देर वो करना है, तब ये सोक होगा। हाँ, ये जैसा भी नॉर्मली हमने एक बार प्रेस किया तो आपका बबल्स हो गया। अभी हमें इंटेंसिव चाहिए, तो इसको जैसे 3 सेकंड हम लोग ने प्रेस करेंगे ऐसे, ये इंटेंसिव होगा। तो अभी ये आपको इंडिकेट करेगा अभी आपका ये इंटेंसिव होगा, ठीक है। इसमें सोकिंग भी हो जाएगी जी, ठीक है। इसके बाद आपका एक है आपका सुपर स्पीड, मतलब तो उसके लिए आपको ये बटन को ऐसा ऐसे प्रेस करेंगे, आपका ये सुपर स्पीड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके साथ अगर कभी आपको जैसे ये आपका एक टब क्लीन है और आपको उस आपको लगता है कि हमें पावर क्लीन चाहिए, पावर टब क्लीन, तो इसी बटन को आप ऐसा 3 सेकंड प्रेस करेंगे तो पावर टब क्लीन एक्टिव। ये भी ड्रम क्लीनिंग के लिए ही है। तो नहीं, दोनों में फर्क क्या है? वो थोड़ा थोड़ा पावर, मतलब जैसे ये थोड़ा सा हल्का कम टाइम लेकर जल्दी कर देगा इसमें, और इसमें जो है आपका तो ये कितने कितने इंटरवल पे करते रहना चाहिए? ये आपको 1 महीने में कर देना, 1 महीने 1.5 महीने, ठीक है। और ये डिले इनका क्या पर्पज़ होता है, जैसे आपको लगता है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं और आपको मशीन चलानी है, तो उसके लिए आपने यहाँ से ऑन किया, एक आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर दिया, मान लो आपने नॉर्मल वॉश, अभी आपको यहाँ से इसको डिले करना है कि हमें इसको 4 घंटे या 5 घंटे के बाद स्टार्ट करना है, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा और 4 घंटा अभी 4 घंटे के बाद ये मशीन स्टार्ट जी, ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं समथिंग 15, 19, 20, 21, 22, इसको हम लोग 24 घंटे तक डिले कर सकते हैं, ये तो आपका हो गया। बाकी इसमें आपका स्मार्ट कंट्रोल भी है। इसका क्या रहता है कि जैसे नॉर्मली इसका एक फंक्शन है, आप सैमसंग का प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा स्मार्ट थिंग करके, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद उसमें आपका सारी अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है, उसको वहाँ से आपको ऐड डिवाइस करके ऐड करेंगे तो आपका वॉशिंग मशीन बाकी सारे फंक्शन आपको ऐड कैसे होगी उसमें उसका एप्लीकेशन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन तो हमने डाउनलोड कर ली, जैसे बाकी ऑन कर दिया है यहाँ पे, जैसे हमने स्टार्ट कर दिया, अगर नहीं स्टार्ट किया और हमें AI से कंट्रोल करना, तो जैसे हम लोग प्रेस करेंगे AP, तो AI में क्या क्या फंक्शन होगा? AP तो ये जो सारा इसका एक्सेस है आप अपने फोन पे ले लेंगी। ये सारे फंक्शन हाँ, उसमें से आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको सिलेक्ट करके सीधा स्टार्ट कर देना है। अच्छा। अभी ये नॉर्मली एक बार मैं चला के देख लें, उसके अंदर मानसून का, जैसे आपको मानसून चाहिए तो आप इसके साथ मानसून 15 मिनट भी आप यूज़ कर सकती हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे कपड़े को ज़्यादा अच्छा हो करना है, मानसून में ड्राई ज़्यादा चाहिए होता है ना, तो ड्राई का काम करेगा। अच्छा अच्छा, केवल ये ड्राइंग? हाँ, उसे हाँ, एक्स्ट्रा ड्राइंग में उसका ऑप्शन रहता है, ठीक है। नॉर्मली आपने जैसा यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और आपको स्टार्ट कर देना है। अभी इसमें आपका जैसा भी कटक करके आवाज आई, नॉर्मली आपकी इससे पहले वॉशिंग मशीन में आप डोर ओपन कर सकती थी, लेकिन अभी इसमें आप डोर ओपन नहीं कर सकती, मतलब एक बार स्टार्ट लॉक हो गया, फिर आपको स्टॉप करेंगे, फिर डोर आपका, अभी जैसे कि आप शो करें तो आपको इधर दिख रहा है ना कि इसका डोर लॉक हो गया है। मतलब जैसे अगर हमने कुछ कपड़े डाले, उसके हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिया, तो अब ये नहीं खुलेगी? खुलेगी मैम, फिर आपको पोस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें क्या होता है आप सडनली जैसे ओपन कर लेती थी, लेकिन इसमें अभी नहीं खुलेगा। अच्छा, तो ये तो वही फ्रंट लोड वाला फीचर हो गया। जी जी, लेकिन फ्रंट लोड करना है, सपोज हमें एक्स्ट्रा कपड़े इसमें डालने हैं तो कैसे करेंगे? वो तो पॉज की बटन है ना यहाँ पे, इसको प्रेस करेंगे। हाँ, जैसे प्रेस आपका ये पॉज हो गया। अच्छा। जैसे आपने पॉज किया अभी हाँ, ये भी आपका डोर ओपन हो गया। अच्छा। ठीक है, आपने जैसे छोड़ के यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ना? हाँ हाँ, यहाँ से जैसे हम फिर अगेन प्रेस कर दिए जहाँ पे वो पहले चला था, वहीं से फिर स्टार्ट हो गया। और जो आपको ये दिख रहा है जेट स्प्रे है, जब ये आपका वॉशिंग स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होता है, कपड़े के ऊपर जो कभी कपड़े धुल रहे होते तो ये ऊपर से पानी ऐसा प्रेस करेगा, जिससे कपड़े के अंदर से जो गंदगियां रहेंगी वो नीचे के साइड ड्रेन आउट होती है। नहीं नहीं, ऑटो ऑपरेट होगा। अच्छा,
नहीं मैम, मोटर एक तो दूसरा एलिमेंट है ना मैडम, जब भी आप जैसे ये वॉशिंग मशीन आप कलम से 1900 वाट के है, लेकिन एक साथ ही ये सारे काम नहीं करती है। अभी जैसा पानी का है तो उस टाइम पे मोटर नहीं चलेगी, सिर्फ जैसे अभी पानी के टाइम पे पानी आएगा तो उस टाइम का अलग, हाँ वो टाइम पे अलग कंजप्शन होगा। जब ही पानी गर्म होगा तभी इलेक्ट्रिक का कंजप्शन कुछ और होगा। जैसे ड्रम वगैरह है तो वो कुछ नहीं, रेजिस्टेंट होगा। नहीं मैम उसका कुछ नहीं, वो एक अलग ही है उसका कुछ, इसके लिए अंदर जो है आपका मेटल का दिया हुआ ना मैम, मतलब मशीन के फंक्शन पे तो कोई ऐसा लाइफ इसकी कम नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। पानी का प्रेशर भी आपके यहाँ अच्छा है, एक महीने में, एक महीने से दो महीने के अंदर आप करोगे तो उससे क्या होगा, कपड़े के अंदर कभी आपको इन फ्यूचर जो है वाइट स्पॉट्स नहीं आते। नॉर्मली आपके कपड़े में कभी आपने देखा हो ना ऐसे वाइट वाइट करके स्पॉट्स आ जाते हैं, और इसके अंदर आप लिक्विड अगर डिटर्जेंट यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें कितने एम्पियर का आप बता रहे हैं कि चाहिए होगा सॉकेट? 15 एम्पियर के मैम। 15 एम्पियर का, तो 15 एम्पियर का बोर्ड तो ये बिजली वालों के पास मिलता होगा, उसको ला करके? हाँ वो बोर्ड नहीं मैम, वो सिर्फ अलग से आता है, वही खोल के उसमें जो आपका सॉकेट लगा हुआ है ना 5 एम्पियर का, उसको एडजस्ट करके 15 एम्पियर का कर देंगे। उसमें कुछ 2 मिनट का काम रहेगा बस, उससे क्या होगा कि फिर आपको बहुत ज़्यादा तोड़ने की ये सब चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी मैम। लेकिन आपके आई अब भी से अच्छे कपड़े इसके अंदर वॉश होंगे। अच्छा अभी तो मॉडल पसंद नहीं आया, नहीं तो लेते तो मत कह रहा है वॉशिंग मशीन नहीं, लुक वाइज तो अभी देखिए वॉशिंग मशीन और बाकी चीज़ों में जो है अभी सैमसंग ही मार्केट में है, सैमसंग और एलजी। हाँ सैमसंग काफ़ी स्टैंडर्ड हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक मशीन्स में आई एफ बी है, आई एफ बी है मैम, ऐसा नहीं कि नहीं है।